सिंध सरकार ने सूबाई हुकूमत का 1300 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया। तालीम के लिए 178 अरब मुख्तस किए गए। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। Departments are expected to complete 448 schemes by June 2019. Education department में हमने अगले साल के लिए अपनी बजट इंक्रीज की है non-development की from 170 billion to 176.18 billion. Development side पे हमने बाकी सारे departments में because हमें पता है कि अगले साल फेडरल गवर्नमेंट वही करेगी, वही डिस्कुल परफॉर्मेंस होगी जो इस साल थी, तो हमने बाकी डिपार्टमेंट्स को तो कम किया है, लेकिन खास तौर पे दो डिपार्टमेंट्स बल्कि तीन डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इनमें हमने या तो सेम लेवल रखा है या बढ़ाया है। जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन में, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड ओवर द इयर्स इन प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, प्राइमरी हेल्थ लार्जली थ्रू PPHI, मेनी मेजर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फंड्स बोथ थ्रू ग्रांट एज वेल एज डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, सच एज SIUT, इंडस हॉस्पिटल, जैकबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।